लोगों ने वीडियो और नहीं कर पाए, मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि कल इवनिंग में अज्जू भैया आए थे, रोमियो भैया तो थे ही, देसी गेमर भैया मतलब अमित भैया ना, अमित भैया आए थे तो आए, भाई मेरी तरफ से सभी को थैंक यू। गाइस देखो ज्ञान भाई मुझसे नाराज हो गए, ठीक है ज्ञान भाई आप नाराज हो गया? क्यों नाराज होऊंगा, लव यू, आए खुश हूँ। ये गाली तो ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो ज्ञान भाई गुस्सा नहीं होगा, चुम्मी दो चलो बस, नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो भी लोग सब लोग इतना बहुत खुश होते हैं ज्ञान भाई के मिलने आता है तो आप भाई बहुत बात किया था ज्ञान भाई, तो वीडियो कॉल में ज्ञान भाई क्या सैड हो गए, फिर ज्ञान भाई आज भाई को लेके आया, हां उस टाइम रोए थे, मैं सामने हां मैं ठीक है चलो चलते हैं। अमित भाई को भी एक बार शुक्रिया कहते हैं। हां ज्ञान भाई दुश्मन आ रहा है मिलने के लिए, मारोगे तो नहीं ना? ऐसी कोई बात नहीं है गाइस यार, ऐसी टाइम में। सो गाइस फाइनली आफ्टर 15-16 दिन मैं ज्ञान भाई से मिलने के लिए आ चुका हूँ, ठीक है। आई ना थोड़ा लेट हुआ इसके लिए सॉरी ज्ञान भाई, ज्ञान भाई सोए हुए, ठीक है। बट या हम लोग आ चुके हैं एंड कल श्री बाइटी भी आया था, वो आके चला गया, एंड आज अज्जू में भी आ रहे हैं, कहाँ है सब ना, तो सब लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। एंड देखो मैं ना ऐसा लाइक ब्लॉक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, देखो हम तो आए मिल के जाएंगे, बट यार तोंडे भाई हो गया, मास्टर जी हो गए, प्रियंका हो गई, ठीक है, अनग्रेजुएट मानिया, हमारे सनम भाई एंड उनका नाम क्या है आरडीएक्स भाई, ठीक है। रोमियो से दुश्मनी है क्या? नहीं नहीं वो भी मेरे साथ आया ना, लेकिन ये जितने भी लोग हैं लाइक ये रेगुलर है, लाइक कितने दिन से आप लोगों से? मतलब 15-16-20 दिन हो गए, मतलब जितना भी स्टार्टिंग के दिन से ही यहाँ पर लगे पड़े हैं, अपना लाइक फुल टाइम दे रहे हैं, चैनल वालों में कोई ध्यान नहीं है मेरे, तो सुबह थैंक यू सब लोग यार, क्योंकि यार हम लोग तो यार आए हैं, ठीक है, 3-4 दिन बैठेंगे फिर चले जाएंगे, बट ये लोग यार रेगुलर ज्ञान भाई का ख्याल रख रहे हैं। नहीं नहीं अरे भाई ऐसा लग रहा है नहीं, फिर से ये बोल दो बोलना फिर से। सब लोग बात कर रहे थे बहुत दिन बाद, तो इसीलिए और व्लॉग नहीं हो पाई, और काल सुजन का तबीयत उतना भी अच्छा नहीं था, काल सुजन उतना बातचीत नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज घर से खाना आया, और ये मैंने बिग बास्केट से ऑर्डर दिया तो मैंने लिया। क्या करूं खोलू? हाँ सब्जी मैंने काटा, निकल ना जाए मेरे से। ओ भाई साहब तो शोशे बंद कर, और एक है तीन सैंडी ने बनाया तुम्हारे लिए खाना। थैंक यू सैंडी। खा लो। इतना दिन बाद घर का खाना मिल गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ये होता तो अच्छा होता, देखो इट्स लाइक तो ऑयल भी ज्यादा कम है घर का, देखो ऑयल नहीं है, लेस ऑयल, कम ऑयल देके बनाया एकदम। तो मैंने आज बना के लाई थी, ये है करेला परवल फ्राई, मतलब थोड़ा सा ऑयल देके, और वो है सोयाबीन और दाल और राइस, मतलब थोड़ा सा, मतलब जितना कम दे सकूं। अच्छा लग रहा है तुम्हें? इतना दिन बाद मिला है, तो बोला और राइस चाहिए मुझे। पता है ये खाएगा तब इसको वीकनेस कम होगा, ऑब्वियसली उसको लगेगा नहीं थोड़ा सा एटलीस्ट राइस तो थोड़ा सा पेट भर के खा ले दोपहर के टाइम। हाँ वो अभी मिर्ची नहीं खा सकते इसीलिए। सुजन बहुत दिन बाद बहुत शांति से खाना खा रहा है, तो उसको और तंग नहीं करेंगे, तो चलो बाय बाय।